नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोज़गार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फाइनली आप सभी का इंतज़ार जो है ख़त्म हो चुका है। इंडियन नेवी ने एमआर यानी मैट्रिक रिक्रूट्स के लिए ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया है। अप्रैल 2020 बैच है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट रखी गई है, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में दिख रहे घंटी के आइकन को भी दबा लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर हमारे पास ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले ही आप देख सकते हैं अप्रैल 2020 बैच, अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग इस बैच की जो है हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अनमेरिड मेल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और जो अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज हैं वो यहां पर लगभग 400 बताई गई हैं। उसके बाद दोस्तों, बात करते हैं हम यहां पर क्वालिफिकेशन की, तो यहां पर आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, केवल और केवल मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन आप पास होने चाहिए, 10th आप पास होने चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहां पर दोस्तों वही पोस्ट है सेफ स्टेवर्ड और हाइजीनिस्ट की। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की। यहां पर आप एज लिमिट देख सकते हैं दोस्तों, एज लिमिट में बहुत ही बड़ा बदलाव जो है किया गया है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि एज लिमिट यहां पर जो कि 1998 होनी थी, डायरेक्टली जो है कर दिए दोस्तों 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2003 के बीच। जिस प्रकार SSR और AA में आपको एज लिमिट में झटका मिला था, उसी प्रकार यहां पर भी आपको एज लिमिट में बदलाव देखने को मिला है। एज लिमिट दोस्तों कर दी गई है 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2003 के बीच। उसके बाद दोस्तों बाकी सारा का सारा सेम है, वही आपको पे एंड अलाउंसेस मिल रहे हैं, आपको जो सैलरी मिलेगी 21,700 से लेकर 69,100 रुपए मिलेगी। उसके बाद दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो आपका ऑनलाइन एग्जाम ही होगा जो कि आपका 50 मार्क्स का ही रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी 0.25 की। उसके बाद आपका PFT होगा, PFT बिल्कुल सेम है जिसमें 1600 मीटर आपकी रनिंग होगी। हाइट की बात करें दोस्तों, 157 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपकी हाइट में जो है चेस्ट में जो है एक्सपेंशन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और डिटेल की बात करें, तो यहाँ पर आपकी और डिटेल भी दी हुई है, जैसे कि आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर INS का में जो है बेसिक ट्रेनिंग होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अप्लाई की, तो यहां पर अगर हम बात करें अप्लाई की, तो दोस्तों आप इसके लिए ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में ही आप केवल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट दोस्तों 26 जुलाई 2019 रखी गई है, लास्ट डेट की बात करें तो 1 अगस्त 2019 तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, केवल और केवल 5 से 6 दिन ही आपको जो है अप्लाई करने के लिए मिले हैं। तो दोस्तों जैसे ही इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो, आप जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा, मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। यहां पर देखिए 26 जुलाई 2019 से लेके आप जो है 1 अगस्त 2019 तक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों और डिटेल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर लास्ट डेट मैंने आपको बता दी कि 1 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो दोस्तों यही था इस ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट में। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपका एग्जाम जो है सेप्टेम्बर के माह में होने वाला है, सेप्टेम्बर 2019 में। बाकी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो एज लिमिट है उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। मेरे अकॉर्डिंग जो एज होनी चाहिए थी वो 1998 से 2001 के बीच होनी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि SSR AA में किया है, उसी प्रकार यहां पर भी एज लिमिट में बदलाव कर दिया है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अगर आप MR की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे GK की और साइंस की ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।